Hi guys, so you are watching mykindofproductions.com and मैं अब पहुंच चुका हूँ स्वदेश, और ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, जहाँ पे स्वदेश में टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है. लेकिन विद मी इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट. भाई बोल लो, दोस्त बोल लो, जिगरे जान बोल लो. He is none other than Ishaan Om Puri. Mohsin bhai is my brother, friend. He's like family. Yeah. So I heard Om ji used to be here only every morning. हाँ, एवरी मॉर्निंग. मैं जब स्कूल जाता था ना, तो माई मदर एंड फादर बोथ यूज टू कम हियर फॉर स्वदेश एंड ब्रेकफास्ट. उन्होंने अपने डेट के लिए आते थे यहाँ पे. अच्छा, और आई हर्ड दैट तुम भी यार एग्जाम होता है तो लोगों को, मैंने सुना है कॉफी शॉप जाते हैं, तुम स्वदेश में आके पढ़ते हो. हाँ, मैं स्वदेश में आके पढ़ता हूँ. अच्छा, पहले एक्चुअली व्हेन आई यूज्ड टू हैव हॉलीडेज, संडे है या कुछ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रैग करके यहाँ लेके आते थे खींच के. एंड आई फ्रेंकली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था. मैं बोलता था, अरे यार आज भी स्वदेश जा रहे हैं, क्यों क्यों भाई. लेकिन अभी आयरनी देखिए, अभी मैं आता हूँ यहाँ पढ़ने, बहुत सुकून मिलता है मुझे. एंड पाव भाजी तो इनका तो गजब का है. व्हाट अबाउट यू शेयरिंग दैट सांबर एक्सपीरियंस डैड का? ओह यस, सांबर एक्सपीरियंस, यस. सो माय डैड यूज्ड टू कम हियर टू हैव उपमा मेनली, बट देयर वर टाइम्स व्हेन ही फील लाइक हैविंग एन इडली एंड अ सांबर, इडली सांबर. सो वॉट ही वुड डू बेसिकली वॉज, इडली तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, ही वुड ट्राई टू ईट वेरी लिटिल, सो वन इडली मैक्सिमम, बट ही वुड हैव लॉट्स ऑफ सांबर विद इट. द सांबर वॉज हिज वीकनेस. सांबर वीकनेस थी, और आपकी भी वीकनेस हो जाएगी जब आप स्वदेश आके खाएंगे. या तो आई विल बी शेयरिंग द रेसिपी इन अ वाइल. एंड बिफोर दैट यार, जो हमारी ऑडियंस है तुम्हारे साथ कनेक्ट रहना चाहती है, और आई हर्ड दैट यू स्टार्टिंग विद सम स्टफ कमिंग अराउंड विद रिलेटेड टू ओम जी, वो जरा बता दो मेरी हमारे व्यूअर्स को. ओ यस जी, आई एम कमिंग अप विथ माई यूट्यूब चैनल पूरी बातें. वेयर आई एम बातें, ओम पूरी, पूरी बातें, ईशान पूरी, पूरी बातें. अच्छा, टेस्टी नाम है यार, पूरी बातें, ताकि सारी जो बातें हैं पूरी तरह कह सकें आपको. ओके, बाबा के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में. ही इज ऑलवेज देयर इन अ हार्ट. एंड ओम जी के, आप भी आई एम श्योर बहुत बड़े फैन होंगे ओम पुरी जी के, ओम पुरी साहब के. एंड यू ऑल कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड फॉलो अप. एंड ओम जी को भी ये सांभर पसंद था, ओम जी को उपमा पसंद था, उपमा की रेसिपी हमने बताई है, सांभर की रेसिपी बताने वाले हैं. देखते रहे mykindofproductions.com. यार तो पहले वाले व्लॉग में मैंने अब उपमा की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, और बहुत ही सुपर टेस्टी उपमा है. लेकिन अब आप लोगों ने सांबर की भी रेसिपी मांगी. सो आई एम राइट नाउ इन स्वदेश वेज रेस्टोरेंट, मोर देन 27 इयर्स दे आर इन मुंबई. एंड इफ़ यू आर कमिंग टू वर्सोवा साइड इन अंधेरी. अच्छा, इनको भी मैं बचपन से देख रहा हूँ. कितने साल हो गए सर आपको? 25 ईयर्स. आई टोल्ड यू ना, मैं स्कूल टाइम से आता हूँ, और आप अच्छे, इट ऑलवेज स्माइलिंग, दिस गाइस ऑलवेज स्माइलिंग एंड सर्विंग. रवि शेट्टी अन्ना, थैंक यू सो मच, दिस गाइस ऑलवेज स्माइलिंग. एंड एकदम ही खुशी होती है यहाँ पे इतने सालों के बाद अब मुझे शूट करने का मौका मिला है. सो इट्स एक्चुअली एन ऑनर. एंड कोई सर पे लगेगा. हाँ, तो मैं किचन एंटर कर रहा हूँ. नाउ वी वोंट वेस्ट टाइम, एंड अब हम सांबर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं. सो हाउ टू मेक सांबर कमिंग अप. तो ये सब सामग्री लगने वाला है, वन बाय वन हम देखते रहेंगे. आप जैसे जैसे बनाते हैं हम उसको पूछ पूछ के कवर करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करिए. सबसे पहले आपने कितना ऑयल लेना है? दो चम्मच. अच्छा, ये दो बड़ा चम्मच. तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया है. सबसे पहले ऑयल लिया हूँ. हाँ जी. उसके बाद हींग डालेंगे. ये कितना हींग डालना है? दो पीस सर, एल जी दो पीस हींग. ओके, जैसे वो लाल हो जाएगा धीरे धीरे. और ये हम कितना बना रहे हैं सांभर? 10-15 आदमी का हो जाएगा सर. 10-15 के आदमियों के लिए ये सांभर हो जाएगा. राई, उड़न दाल, उड़द, चना दाल, उड़द दाल और चना दाल. ये क्या डाल रहे हैं? काला मिरी. काला मिरी. सिंगदाना. अक्का मेथी सर. अक्का मेथी. थोड़ा लाल होने के बाद ये डाले सर धनिया.
कोरिएंडर, हक्का धनिया, कड़ी पत्ता सर, कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता डाला जा रहा है। सूखी कितना है पूरा? सूखी सूखा मिर्ची काफी डाला गया है? नहीं। सूखा मिर्ची कितना था तकरीबन? तकरीबन 50 ग्राम रहेगा सर। 50 ग्राम में इतना सारा पीस आ जाता? हाँ सर। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर इज एडिंग हल्दी पाउडर ऑल्सो। मतलब इसको नारियल पीस डालना बाकी है। अबे आप नारियल कितना डाला है आपने? एक चम्मच हल्का सा पड़ा है। ये हो गया सर जी। ये रेडी भी हो गया? हाँ, पीसना पड़ेगा। अच्छा, इसको अभी आप पीसने वाले हैं? दो लोग एक साथ डाल दो ना। अब जो ये प्रिपेरेशन है जो इन्होंने बनाया था उसे अब मिक्सर में डाला जा रहा है और फिर उसके बाद मिक्सर में क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, वी नीड योर सपोर्ट यार, वी नीड टू ग्रो मोर। फिर इसमें हल्का सा आपको पानी भी मिलाना है। ओके, ये गर्म हो गया है, हाँ। मिक्सर से निकालने के बाद मसाला कुछ ऐसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। अभी क्या करेंगे मसाले के साथ में? इसको अभी बना के दिखाएंगे। अच्छा ओके, चलिए मसाला अब रेडी है। अब इस पे क्या हरकत करेंगे वो देखते हैं। स्टेप टू पे आ गए हम, यहाँ पे अगेन वी आर टेकिंग ऑयल। तेल लेना है? तेल लेना है। तेल नॉर्मली कौन सा यूज़ करते हैं? वो रिफाइंड ऑयल। तो आप अपने हिसाब से जो यूज़ करना है यूज़ करें, मतलब कोकोनट ऑयल है या ग्राउंड नट ऑयल, जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं जी। ये क्या आपने? राई लिया है। अगेन राई पड़ती है, उड़द दाल, जीरा, एंड दिस इज लहसुन पेस्ट, लहसुन कीमा, लहसुन पेस्ट, लीव्स, कड़ी पत्ता डाला है, थोड़ा लाल कलर होने के बाद प्याज डालेगा, हल्का सा लाल होने के बाद इसमें आप प्याज डालना है आप लोगों को। सो गाइस, यू आर वाचिंग माय काइंड ऑफ प्रोडक्शंस का माय काइंड ऑफ व्लॉग्स, दिस इज मोहसिन हियर एंड आई नीड ऑल योर लव यार। सांभर और सीक्रेट रेसिपीज सभी लोग शेयर नहीं करते, इनफैक्ट टमेटो, टमाटो आधा यूज किया आपने? हाँ। कबाब, ये अब आपने हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। ओके, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, नम नमक स्वाद होता है, नमक काफ़ी पड़ा है वैसे इसमें। हाँ, एंड नाउ ये गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं? नहीं, ऐसे उपमा को बना बताता ना। और ये क्या क्या है ये बता दो? ये काकड़ी और कद्दू। हाँ, काकड़ी है, कद्दू है और सेंग। क्या मात्रा में होगा ये? ये कौन सा सांभर में? हाँ, कितना कितना क्वांटिटी लेना होगा? ये 100 ग्राम, ये 250 ग्राम, सब मिल 250 ग्राम। अच्छा, सब 250 ग्राम। ओके,
सो आई एम स्टिल इन साइड द किचन ऑफ स्वदेश एंड यहाँ पे स्टेप टू में सब्जियाँ पड़ चुकी है और अब इसके बाद ये आपके हाथ में क्या है कृष्णा जी? गुड़ है. अच्छा ये गुड़ है. तकरीबन मुझे 100 ग्राम गुड़ दिखाई दे रहा है. 100 ग्राम गुड़ अब ये इन्होंने डाल दिया है इसमें. और ये क्या है? वो पीसे हुआ मसाला है. अच्छा जो पीसा हुआ मसाला था मिक्सर में, हाँ वो है. ये भी अब डालने वाले हैं. धनिया पत्ता. ओके सर ये रेडी हो गया. अच्छा ये अब रेडी हो गया. रेडियो आधा घंटा स्लो गैस पे पकना पड़ेगा. अच्छा इसको स्लो फ्लेम पे अब आधा घंटा रखने वाले हैं. सारा प्रोसेस हो चुका है और अब ये आधा घंटा पकने वाला है. और अगर मैं आधा घंटा यहाँ किचन में इस गर्मी में रह गया तो मैं भी शायद पक जाऊँगा. इसीलिए मैं बाहर जाके इंतज़ार करता हूँ. जब ये सांभर रेडी हो जाएगा तब मैं आके फाइनल एक शूट करूँगा. हाफ एन आवर स्लो गैस पे रखना है ना. धीमी आंच पे आधा घंटा रखने वाले. कृष्णा जी थैंक यू सो मच और इनकी पूरी टीम है यहाँ पे. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भाई लोग. थैंक यू सो मच एवरीवन. अरे हाथ तो दिखा दो, खुश हो जाओ यार. ओके सो यहाँ पे ये पूरी टीम है इनकी, बहुत टेस्टी बनाते हैं. इनके साथ में ये कृष्णा जी भी हैं, कृष्णा अन्ना. सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन. कीप वॉचिंग माई गर्ड प्रोडक्शन. सांबर रेडी होगा आधे घंटे बाद. मैं किचन के बाहर जा रहा हूँ. सब आपका सांभर रेडी है. आप ये राइस के साथ खा लो, इडली के साथ खा लो या फिर मेदू वड़ा के साथ खा लो. हर दिन टेस्टी है.